चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का पारा भी चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी का अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चर्चा का विषय बना हुआ है। कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसके परिणाम से राज्य की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केंद्र की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे उत्तराखंड की नजर बद्रीनाथ विधानसभा पर इसलिए टिकी है कि बद्रीनाथ विधानसभा के लोग क्या उस प्रकार के जो धोखा करते हैं, इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग हैं, उनसे क्या बदला ले पाएगी। इस रूप में पूरे उत्तराखंड से लोगों की नजर इस विधानसभा से। मैंने कांग्रेस से बीजेपी में आया हूं, मैं ये सोच के आया हूं कि क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा, उन्नति होगी और प्रगति होगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और माननीय योगी जी का विजन जो देश को मजबूत बनाने का एक संकल्प उन्होंने लिया है, उस विजन से माननीय धामी जी जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। चमोली में कांग्रेस